सोमवार को एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने ईआरपी सिस्टम की खामियां व पीजी के रिजल्ट घोषित न होने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया है कि अगर उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं होगी तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने वीसी कार्यालय के बाहर छात्रों को आ रही समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 2013 में ईआरपी सिस्टम विश्वविद्यालय में लाया था, जिसके साथ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू हुई थी, लेकिन आज 9 साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन ईआरपी सिस्टम को सही रूप से स्थापित नहीं कर पाया है, जिस वजह से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के जब एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं तो ईआरपी सिस्टम की खामियों की वजह से समय पर फॉर्म नहीं भर पाते हैं, व दूसरी तरफ जब रिजल्ट घोषित किया जाता है तो उस समय ईआरपी सिस्टम में खामियों की वजह से छात्रों के आधे अधूरे रिजल्ट निकलते हैं। आज आप तमाम लोग नारों के माध्यम से ये भी जान चुके होंगे कि आज एसएफआई इस वीसी ऑफिस के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना प्रदर्शन सिर्फ दो मुख्य मांगों को लेकर हो रहा है, जो पीजी के परीक्षा परिणाम बड़े लंबे टाइम से घोषित नहीं हुए हैं उस चीज को लेकर। आप तमाम लोग जानते हैं कि पीजी के परीक्षा हुए हुए कम से कम 6 से 7 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारा जो प्रशासन है वो इस चीज में बिल्कुल ढीला रवैया दिखा रहा है। अभी जो है 3 तारीख से पीजी के जो है अगले सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होने जा रही है, लेकिन हमारा प्रशासन इतना निकम्मा और इतना सुस्त हो गया है कि अभी तक जो है छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आगे जाकर, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके अभी नेट के रिजल्ट्स भी आए हुए हैं, बहुत सारे प्रशासन जो है जो जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने होंगे। धरना प्रदर्शन किया है और आज जो है वीसी ऑफिस के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रही है, और हमारी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जो है इन पीजी के परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो एसएफआई है वो छात्रों को लामबंद करते हुए इस वीसी ऑफिस के बाहर हर एक प्रशासन के कमरे के अंदर जाके उनका घेराव करके आने वाले समय के अंदर जो परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए प्रोटेस्ट भी करेगी। उसके साथ साथ जो 2020-2021 सेशन के अंदर जिस समय के अंदर पूरा देश पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय के अंदर जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये एक नोटिफिकेशन जारी की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा गया कि जो छात्र हैं हॉस्टल के अंदर रहते हैं उनको जो है अपनी कॉन्टिन्यूशन फीस सबमिट करानी पड़ेगी। लेकिन जिस समय के अंदर छात्र हॉस्टल के अंदर रहा नहीं, उसने हॉस्टल के अंदर की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है, ना इलेक्ट्रिसिटी ना किसी और चीज़ का यूज़ किया है, तो प्रशासन किस चीज़ के पैसे उन छात्रों से ले रहा है। एक तो कोरोना महामारी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम आज यहाँ वीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से हम ये वीसी साहब को भी डीए साहब और जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनको ये सूचित करना चाहते हैं और यहाँ से उनको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द जो है छात्रों के परीक्षा परिणाम और इस कॉन्टिन्यूशन फीस को रद्द नहीं किया गया तो आने वाले समय में एसएफआई छात्रों को लामबंद करते हुए एक धरना प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।